नमस्कार दोस्तों, बेबी एंड चाइल्ड केयर चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने बच्चों के प्राइवेट पार्ट को कैसे क्लीन करना चाहिए, कैसे साफ़ रखना चाहिए, इसके बारे में वीडियो बनाया था। तो मेरे पास उसमें कई कमेंट आए थे और इससे पहले भी मेरे पास कई बार कमेंट आ चुका है कि बच्चों का खतना कैसे करवाया जाता है और किस प्रकार से देखभाल करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बताऊंगी। दोस्तों देखिए, इसके बारे में मुझे रियली में कोई नॉलेज नहीं है, तो जितना मुझसे नॉलेज हो सका मैंने इकट्ठा किया और उसके बाद ये वीडियो बना रही हूँ। तो हो सकता है थोड़ी बहुत गलती हो जाए, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि और क्या क्या हो सकता है। अगर आपके घर में हुआ हो तो शायद किसी को पता चल सके कि क्या प्रोसेस है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं। बाकी दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों बहुत सारे लोग इस चीज़ को गलत मानते हैं, कुछ लोग सही मानते हैं, तो यहाँ पे हम वो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में कह सकते हैं कि तुम गलत बता रही हो या ठीक है या ठीक नहीं है। दोस्तों देखिए, जो भी है वो बहुत पहले से चलता आ रहा है, बहुत लोगों के घर में यह परंपरा स्टार्टिंग से चलती आ रही है, तो वो तो करवाएंगे ही और शायद आगे भी करवाएं, ठीक है। मैं नहीं कहूँगी ये गलत है या सही है, मैं बस आपको प्रोसेस बताऊँगी क्या क्या प्रोसेस होता है। अगर जिनको करवाना हो वो इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं और उसके बाद अपने बेबी का खतना करवा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम बेबी बॉय के खतने के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको बेबी का खतना कब करवा लेना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, जब आपका बच्चा पैदा होता है ना, तो कोशिश करें कि उसी टाइम करवा लें, क्योंकि जब आपका बच्चा चलने फिरने लग जाता है ना, तो उस समय उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जब आपका बच्चा लेटा रहता है तो उस समय उसे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए प्रॉब्लम तो होती है, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है कि ऊपर का स्किन काटा जाता है तो दर्द तो होगा ही, परेशानी तो होगी ही। लेकिन यदि आपका बच्चा छोटा है तो वो चलता फिरता नहीं, आराम से लेटा रहता है, तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती बड़े बच्चों के मुकाबले या फिर बड़ों के मुकाबले। क्योंकि बहुत सारी फैमिली जल्दी करवा लेते हैं, कुछ फैमिली वाले के यहाँ नियम होता है 5 साल में कराओ, 2 साल में कराओ, 10 साल में कराओ। तो अगर आपके यहाँ पे नियम है लेट करवाने का, तो वो फिर तो अलग बात है। लेकिन यदि आप जानना चाहेंगे कि कब करवा लेना चाहिए, तो आप जल्द से जल्द करवा लीजिए, क्योंकि जितना जल्दी कराएंगे आपके बेबी के लिए उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसकी स्किन कठोर होती चली जाती है, तो उसे उतनी ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगी। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी स्किन सॉफ्ट होती है, तो उन्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो आप जब बेबी पैदा हो जाता है तो उसके कुछ टाइम बाद करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि करवाना कैसे है। तो देखिए, बहुत सारे लोग घर पे करवाते हैं, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगी कि हॉस्पिटल में जाके करवाइए, क्योंकि दोस्तों खतना के बाद कई बार इन्फेक्शन होने की समस्या हो जाती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हॉस्पिटल में कराएंगे तो वो हर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, हाइजीन का ध्यान रखेंगे, और कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे, और वो इस हिसाब से करते हैं कि बेबी को प्रॉब्लम ना हो। तो बेहतर यही होगा कि हॉस्पिटल में करवाइए, और पहले से पता करके रखिए कि कौन से हॉस्पिटल में करवाया जाता है, कौन सा अच्छा हॉस्पिटल है, कौन से डॉक्टर अच्छे हैं। तो पहले पता कर लीजिए और उसके बाद वहाँ पे अपने बेबी को लेके जाइए। ध्यान रखिए, यदि आपका बच्चा बीमार है तो उस समय ना करवाइए, आपका बच्चा स्वस्थ है, ठीक है, तो आप उस समय बेबी का खतना करवा सकते हैं। और दोस्तों, जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे जब बेबी का खतना किया जाता है, तो हॉस्पिटल वाले बेबी के साथ फैमिली मेम्बर को भी आने की इजाज़त दे देते हैं, और कुछ हॉस्पिटल वाले केवल बेबी को ही अंदर लेके जाते हैं और वहाँ उनका खतना करते हैं। तो यदि आपको लगता है कि आप बेबी को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, तो इस बारे में पहले डॉक्टर से बात कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्या होता है, जब बेबी का खतना हो जाता है तो उसके बाद डॉक्टर गर्म पट्टी करते हैं, आपको बुखार की दवाई देते हैं, क्योंकि बच्चों को बुखार भी आ जाता है, तो बुखार की दवाइयाँ देते हैं, आपको एंटीसेप्टिक दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको प्राइवेट एरिया पे लगाने के लिए मरहम दिया जाता है, जो उनकी दवाइयाँ होती हैं ना, वो आपको सब देते हैं, बताते हैं किस प्रकार से यूज़ करना है, तो आपको वो सब दिया जाता है। और आपको वहाँ पर थोड़ी देर रुकने के लिए कहा जाता है, आधा घंटा एक घंटा, ताकि वो देख सकें बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, मतलब कि ब्लीडिंग वगैरह हो जाता है बहुत बच्चों को, तो डॉक्टर उस चीज़ का ध्यान रखते हैं। यदि बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आपको घर भेज देते हैं और बता देते हैं कि किस प्रकार से सावधानी रखनी है, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर वो उसका वहाँ पे इलाज करते हैं। अब हॉस्पिटल का काम तो खत्म हो गया है, वैसे डॉक्टर आपको दोबारा बुलाते हैं, नहीं भी बुला रहे हैं तो एक बार फिर चले जाइएगा, मेरे हिसाब से 8-10 दिन के बाद। वैसे आपको बुलाते ही हैं, नहीं बुलाते हैं फिर भी बात कर लीजिएगा, आना है या नहीं आना है तो वो आपको बता देंगे। अब आप घर आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा सावधानी रखना होता है। सावधानी क्या रखना होता है, यदि आप अपने बच्चे को डायपर पहना रहे हैं तो उस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि डायपर से आपकी बेबी को दुखेगा, ठीक है। कोशिश करें कि इसमें बच्चों को डायपर ना पहनाएं, अगर आप पहना भी रहे हैं तो बेबी का जो प्राइवेट पार्ट है उसको नीचे की तरफ कर दें और उसके बाद पहनाएं। मैं तो यही सलाह दूंगी कि इस समय डायपर वगैरह ना पहनाएं तो बेहतर होगा, और बच्चे को लेटे ही रहने दें और ज़्यादा उधर उधर लेके ना जाएं, क्योंकि अगर आप ले जाएंगे तो बेबी को प्रॉब्लम होगी, आप खुद समझ सकते हो होगी। इसलिए कोशिश करें कि इस समय बेबी को थोड़ा खुला ही रखें, क्योंकि खुला रखेंगे तो वो सूखेगा, क्योंकि जितनी जल्दी सूखेगा घाव उतनी जल्दी आपका बेबी ठीक हो जाएगा। तो इस समय थोड़ा
खुला रखने की कोशिश करें। इसके अलावा दोस्तों, क्योंकि बेबी पोटी भी करते हैं, सूसू भी करते हैं, तो आप साफ करते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी कि बेबी को वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। दोस्तों इसके अलावा हम बेबी को नहाते हैं और वो आप नहाओगे ही, ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन नहीं नहाओगे। तो आपको करना क्या है, जब बच्चे को नहाते हैं तो उस समय वहाँ पे साबुन वगैरह का इस्तेमाल ना करें, उस एरिया को वैसे ही छोड़ दें और कोशिश करें बेबी को बहुत ही आराम से नहलाएं ताकि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वहाँ पे होगा तो बेबी रोएगा और परेशान हो जाएगा। दोस्तों स्टार्टिंग में आप देखोगे कि आपका जो बेबी का प्राइवेट एरिया है वो काफ़ी लाल हो गया है और उसमें सूजन आ गई है और धीरे धीरे करके उसमें पीलापन आ जाता है, तो यह ठीक होने की निशानी होती है। लेकिन ब्लीडिंग आ रही है, बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए और जो मेडिसिन वगैरह दिया है आपको टाइम पर जरूर दें। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहूँगी। यदि आपका बच्चा बहुत छोटा है तो वो नॉर्मल सी बात है दूध पीता है, आपका दूध पीता है या फिर फार्मूला मिल्क पीता है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसे दूध ही पीना है। बाकी दोस्तों यदि आपका बच्चा बड़ा हो चुका है, वो खाता पीता है, तो ध्यान रखें कि इस समय बच्चों को खट्टी चीज़ें ना दें, ठंडी चीज़ें ना दें, क्योंकि इससे उनका दर्द बढ़ सकता है। इसलिए आपको थोड़ी सी गर्म चीज़ें देनी है, मतलब कि नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी जो आप खाते हैं वो देना ही है। हो सके तो गर्म दूध में थोड़ा हल्दी डाल के दे दीजिए, इससे क्या होगा कि उसके दर्द में राहत होगा। तो गर्म चीज़ें दीजिए, लेकिन इस समय बेबी को आप ठंडी चीज़ें ना दें, ना ही खट्टी चीज़ें दें, तो इस बात का ध्यान रखिए। बाकी दोस्तों आप लोगों को 8-10 दिन तक बेबी के प्राइवेट एरिया का ड्रेसिंग करना होता है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार से करना है तो हॉस्पिटल लेके चले जाइए, अगर आपके समझ में आ गया है तो घर पे कीजिए और बहुत ही ज़्यादा सावधानी से, ताकि आपके बेबी को कोई प्रॉब्लम ना आए। बाकी दोस्तों कुछ भी समझ में नहीं आता तो कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको इसके बारे में कोई नॉलेज है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। एंड दोस्तों आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, आया तो लाइक करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।